हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार वर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ कि हम जो ट्यूबलाइट देखे थे उस ट्यूबलाइट के अंदर हमने स्टार्टर लगाया था, चोक लगाया था और एक फ्लोरोसेंट ट्यूब लगाई थी। तो उस जगह उस एक स्टार्टर था, उस स्टार्टर का काम क्या है, तो इस वीडियो हम देखेंगे कि उस स्टार्टर का हमारी ट्यूबलाइट के अंदर काम क्या है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड हमने देखा था कि हमारी जो एक ट्यूबलाइट थी, ये हमारी ट्यूबलाइट थी। इस ट्यूबलाइट के दो टर्मिनल्स यहाँ थे, दो टर्मिनल्स यहाँ थे और हमने इन टर्मिनल्स पे एक पहले यहाँ पे लगाया था चोक और यहां पे हमने लगाते स्टार्टर और यहां पे हमने लगाया था अपना स्टार्टर। यहां हमने दी थी एसी, यहां पे हमने दी थी एसी। तो यहां पे बात आती है कि हमने जो स्टार्टर लगाया था अपना, तो ये स्टार्टर यहाँ पे क्यों लगाया था, इस स्टार्टर का काम क्या है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी वीडियो में यही जानेंगे कि हमारे स्टार्टर का काम क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अपनी गाड़ियों में देखा होगा, आजकल जो स्कूटी वगैरह आती है उनमें देखा होगा कि हमने उस स्कूटी को चलाने के लिए हमारे यहाँ पे जो हमारा एक्सीलेटर होता है उसी के पास में एक स्टार्टर लगा होता है जिसे हम सेल्फ स्टार्ट बोलते हैं। उस सेल्फ स्टार्ट का काम क्या होता है, उस सेल्फ स्टार्ट का भी काम एक तरह से इस ट्यूबलाइट के काम के जैसा ही होता है। उसमें हम गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए सेल्फ स्टार्टर का काम करते हैं और यहाँ पे हम ट्यूबलाइट का काम करने के लिए स्टार्टर का उपयोग करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमने देखा था कि गाड़ी के अंदर जो ये सेल्फ स्टार्ट होता है, हम उस सेल्फ स्टार्ट को दबाते हैं और हमारी गाड़ी चालू हो जाती है। उसी प्रकार से हमारा जो यहाँ पे ये स्टार्टर होता है, जब हम एक बार इसको एसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो उसी प्रकार से उस इस गाड़ी के अंदर हम उसको स्टार्ट करने के लिए, सेल्फ स्टार्ट को दबाने के लिए हम यहाँ पे अपना अंगूठा यूज कर रहे थे और यहाँ पे ट्यूबलाइट को चलाने के लिए हम यहाँ पे उस स्टार्टर को यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं स्टार्टर के अंदर, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टार्टर के अंदर होता क्या है ऐसा कि वो इस ट्यूबलाइट को स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्यूबलाइट में स्टार्टर होता है, उस स्टार्टर का होता क्या है एक्चुअली में। ये मैं आपको स्टार्टर बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा जो स्टार्टर होता है, अगर हम उसे अंदर से खोल के देखें तो हमारे स्टार्टर में कुछ यहाँ पे हमारे पास मिलते हैं दो पॉइंट। उन दो पॉइंट से हमारे पास जुड़ी हुई मिलती है, यहाँ पे हमको मिलता है एक कैपेसिटर। तो उसी कैपेसिटर के समांतर में मिलता है हमें एक बल्ब। ये जो बल्ब होता है, ये हमारा बल्ब होता है नियॉन बल्ब। ये जो हमारा बल्ब होता है, ये हमारा नियॉन बल्ब होता है। नियॉन बल्ब हमें इसलिए इसका नाम पड़ा है नियॉन बल्ब, क्योंकि इस बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है वो हमारी गैस नियॉन गैस होती है। इस बल्ब के अंदर हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारी नियॉन गैस कुछ इस प्रकार से भरी हुई है। अब इसके अंदर की बात करें कि इस गैस के अंदर के अलावा इस बल्ब में होता क्या है, तो इस बल्ब में कुछ इस प्रकार से दो बाइमेटलिक पत्तियां होती है, जिसमें से एक जो हमारी पत्ती होती है वो होती है हमारी फिक्स और एक जो हमारी पत्ती होती है वो बाइमेटलिक होती है। बाइमेटलिक का मतलब अगर हम किसी चीज के ऊपर दूसरी चीज को चढ़ा दे तो वो हमारी हो जाती है बाइमेटलिक। उसी प्रकार से हमारी जो ये सेकंड पत्ती होती है, ये एक पत्ती होती है इस प्रकार, और इसके ऊपर एक पत्ती कुछ इस प्रकार से लगी हुई रहती है। अब आप देखोगे ये होती है हमारी बाइमेटलिक, ये हमारी बाइमेटलिक होती है। इस बाइमेटलिक पत्ती के और इस पत्ती के बीच में बहुत ही कम गैप होता है। जैसे कि मैं आपको एक स्टार्टर है वो दिखाता हूँ, ये हमारा एक ट्यूबलाइट का स्टार्टर है, आप देख सकते हो। अब मैं इस ट्यूबलाइट के स्टार्टर को एक बार खोलता हूँ, ये हमारा ट्यूबलाइट का स्टार्टर है, देख पा रहे होंगे आप। इसके अंदर एक हमारे यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि हमने कैपेसिटर यहाँ लगा दिया,
और एक हमारा ये जो दिख रहा है आपको, ये नियॉन बल्ब है, ये नियॉन बल्ब हमने यहाँ बना दिया। अब अगर आपको दिख रहा हो इस वीडियो के अंदर, वैसे तो मैं इसकी फोटो डाल दूंगा वीडियो के साइड के अंदर, आपको दिख रहा हो तो इसके अंदर यहाँ पे दो बायोमेटलिक पत्तियां हुई, जिसमें से एक पत्ती हमारी फिक्स है और एक पत्ती हमारी बायोमेटलिक है। बायोमेटलिक पत्ती का काम क्या होता है वो देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। पहले हम देखते हैं कि इसको लगाते किस प्रकार से। जैसा कि हमने मान लिया यहाँ पे हमने ट्यूबलाइट के अंदर, ये फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, मैं होप करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। इसके अंदर एक होता है कैपेसिटर, एक होता है नियॉन बल्ब। हमारा जो इस ट्यूबलाइट के अंदर स्टार्टर लगाते हैं उसमें मेन काम इस बल्ब का ही होता है। ये जो हमारा कैपेसिटर है स्टार्टर के अंदर, इसका काम केवल इतना सा है कि ये हमारी इस जो हमारा ये स्टार्टर है, इस स्टार्टर की कार्यकारी एज को बढ़ा देता है। मतलब ये काम करने की क्षमता, मतलब ये स्टार्टर लंबे समय तक खराब ना हो, ये बस इसका काम तो इतना ही होता है। तो इसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हमारा केवल पढ़ने का जो मकसद है ये है इस नियॉन बल्ब का। अब हम देखते हैं कि इस बल्ब का काम एक्चुअली में होता क्या है। हमने देखा था कि ट्यूबलाइट के अंदर हमने यहाँ पे ये होती है हमारी यहाँ पे अंदर से दो टंगस्टन की जंजीर, यहां पे हम एक लगाते हैं स्टार्टर, जिस स्टार्टर में देते हैं सप्लाई कुछ इस प्रकार से। यहां पे हमने लिया और यहां पे हमने मान लिया, यहां बना दिया हमने एक चोक, ये हमने चोक में दे दी यहां पे एसी सप्लाई। अब फ्रेंड्स आप देखोगे कि यहाँ से सप्लाई कुछ इस प्रकार से निकली, कुछ सप्लाई यहाँ से हमको मान लीजिए यहाँ पे हमारा फेज है, यहाँ पे हमारा न्यूट्रल है, फेज हमारे यहाँ से जाके इस ट्यूबलाइट के इस टर्मिनल्स को मिल गया, न्यूट्रल हमारे जाके। तो आप सोच रहे होंगे कि ये ट्यूबलाइट चालू क्यों नहीं हुई। तो फ्रेंड्स इस ट्यूबलाइट के अंदर कुछ इस प्रकार की जंजीर होती है, साथ ही इस ट्यूबलाइट के अंदर हमारे पास गैस भरी हुई होती है, हमारे इस ट्यूबलाइट के अंदर कुछ गैस भरी हुई होती है, इस ट्यूबलाइट के आर्गन प्लस मरकरी भरी जाती है। इस ट्यूबलाइट जो हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है इसके अंदर हम आर्गन गैस प्लस मरकरी के बहुत छोटे छोटे दाने, इसके अंदर छोटे छोटे मरकरी के वेपर वो इस ट्यूबलाइट के अंदर भरते हैं। और जो हमारा स्टार्टर होता है वो स्टार्टर आपको पता है नियॉन बल्ब में होता है, तो इसके अंदर एक तो नियॉन एक तो इसके अंदर गैस होती है प्लस इसके प्लस नहीं एक इसके अंदर हीलियम गैस भी हमने देखी है, हीलियम बुक्स के अंदर अगर हम देखें तो बुक्स के अंदर हमारे हीलियम गैस ही बताई गई है कि ट्यूब जो हमारा स्टार्टर होता है उसके बल्ब के अंदर हीलियम गैस भर जाती है, हमने देखा है। पर कई जगह पे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर हमारे नियॉन गैस को भी हमने इसने नियॉन गैस को भी इसमें राइट माना गया है। तो आप देख लेना कि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है, अगर स्टार्टर में उसमें पूछ रहे हैं कि स्टार्टर में कौन सी गैस होती है, अगर वहाँ पे नियॉन गैस आ रही है तो वहाँ पे नियॉन गैस भी राइट होगा, अगर वहाँ पे हीलियम गैस आ रही है तो वहाँ पे हीलियम गैस भी राइट होगा। तो फ्रेंड हमने देखा कि हमारी जो ट्यूबलाइट होती है उसके अंदर मरकरी पर आर्गन गैस, मरकरी और आर्गन गैस भरी होती है। इस गैस को आयनाइजेशन होने के लिए या फिर इसको वेपराइजेशन होने के लिए 240 यानी मतलब हम मान लें इसके को गर्म होने के लिए कम से कम 1000 वोल्टेज या 1000 से भी ज्यादा वोल्टेज की इसके अंदर जरूरत पड़ती है। पर हमने देखा हमारे जो आगे से एसी सप्लाई आ रही है उसमें तो हमारे पास केवल 250 वोल्ट आ रही है। तो अब इस 250 वोल्ट को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे स्टार्टर और चोक, यानी स्टार्टर और हमारी चोक जिसे हम ब्लास्ट भी बोलते हैं उसका उपयोग करते हैं। अब हम पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे केवल स्टार्टर का उपयोग ही देखेंगे, चोक का उपयोग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। स्टार्टर का उपयोग क्या होता है, यहाँ से एसी सप्लाई गई, मान ली यहाँ से हमने फेज दिया, यहाँ से हमने न्यूट्रल दिया, तो आप सोच रहे होंगे कि ये लाइट यहाँ से क्यों फ्लो नहीं हुई, ये लाइट ऊपर क्यों नहीं, यहाँ से या फिर ट्यूबलाइट जली क्यों नहीं। ट्यूबलाइट इसलिए नहीं जली क्योंकि इसकी गैस को होने के लिए हमने बता दिया कि यहाँ पे 1000 वोल्टेज चाहिए, तो ये यहाँ से ना होके ये और आगे चल जाएगी। अब ये जैसे ही आगे जाएगी इसमें हमने देखा यहाँ पे एक द्विधात्विक पत्ती होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। ये जो द्विधात्विक पत्ती होती है इसके अंदर नियॉन या हीलियम गैस भरी होती है। अब जैसे ही इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल और फेज पहुंचता है,
इसके अंदर भरी हुई गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया या फिर इसके अंदर भरी गैस आयनाइजेशन होना चालू कर देती है और उसी से हमारे जो ये बल्ब है इसके अंदर भरी हुई गैस जो धीरे धीरे गर्म होना चालू कर देती है। जैसा कि हमने देखा था गाड़ियों के अंदर जो स्टार्टर था या सेल्फ स्टार्ट था उसको हम दबा रहे थे हमारे अंगूठे की मदद से, इसी के अंदर अब ऐसा तो है नहीं कि हम इसको पकड़ के आग पर अपने आप कर देंगे, तो उसमें इस प्रक्रिया को अंगूठे हम बाइक में अंगूठा ले रहे थे यूज में, इसमें वहां पे वो चीज कर रही है हीट, वहां पे ये प्रक्रिया हीट कर रही है। अब जैसे इसमें धीरे धीरे हीट होगी ये बाइमेटलिक जो पत्ती है ये यहां से धीरे धीरे, आपको पता है कि कोई भी चीज गर्म होती है तो वो ट्वीट होती है यानी वो चीज हल्की सी मुड़ती है। अब जैसे ही यहाँ पे हल्की सी ये गर्म होगी ये यहां से मुड़के और धीरे धीरे इसके टच हो जाएगी। अब आपको पता है कि अगर मैं न्यूट्रल और फेज को अगर साथ में भिड़ाता हूं तो उस पे उस समय हमारे शॉर्ट सर्किट प्रक्रिया होती है। शॉर्ट सर्किट का अपन अंदर पता है आपको धारा का मान हो जाता है ज्यादा और वोल्टेज का मान हो जाएगा कम। अब आप सोचोगे वोल्टेज का मान कम कैसे होगा, वोल्टेज का मान तो हमारे पास फिक्स रहता है, पर जो हमारी इस ट्यूबलाइट के अंदर इस समय धारा का मान हो जाएगा अधिक जब ये स्पार्किंग ये दोनों पास पास में चिपक जाएंगी तब धारा तो जाएगी अधिक और वोल्टेज हो जाएगी हमारी कम। अब वोल्टेज कम होगी कैसे, वो होगी हमारी इस ब्लास्टर या फिर इस चोक की मदद से, वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है। अब कुछ ही समय बाद मान लीजिए कि यहाँ पे हो गई वोल्टेज कम हो गई इस पूरे इसके सर्किट के अंदर वोल्टेज कम हो गई, तो आपको पता है किसी भी सर्किट के अंदर अगर वोल्टेज कम हो जाती है तो वहां पे धारा प्रवाह कम भी हो जाती है। अब अगर यहाँ पे धीरे धीरे वोल्टेज कम हुई तो वोल्टेज कम होने पर ये थोड़ी देर बाद में यानी कुछ समय तक तो ये चिपका रहा, थोड़ी देर बाद में ये जैसे ही ठंडा होगा ये वापस अपनी स्थिति में, पहले तो ये चिपके रही है अब जैसे ये ठंडा हो रहा है तो वापस ये अपनी स्थिति में आ जाएंगे, ये दूर दूर हो जाएंगे। अब ये वापस जैसे ही दूर दूर होएंगे फिर इस सर्किट के अंदर वापस धारा फ्लो होने लग जाएगी, हमारी धारा उस समय हो जाएगी वापस से कम और वोल्टेज हमारी उस समय हो जाएगी ज्यादा। ये प्रक्रिया होती है जो धारा वोल्टेज की कम होने की या इस बल्ब के एक बार चालू होने की बंद होने की, ये प्रक्रिया एक सर्किट में यानी एक बार ट्यूबलाइट जलती है उसमें हमारी ये प्रक्रिया 20 से 25 बार होती है। ये प्रक्रिया 20 से 25 बार मतलब 20 बार ये जलता है 20 बार वापस खुलता है 20 बार जलता है 20 बार ही खुलता है, ये हमारा 20 बार चालू बंद होता है। तो यहाँ पे हमारी धारा कम तेज और ये वोल्टेज इतनी तेज हो जाती है मतलब 250 वोल्ट से बढ़ती हमारी 1000 वोल्टेज के आसपास पहुंच जाती है। जैसे ही हमारी ये 1000 वोल्ट पहुंचती है हमारी यहाँ पे ये जो ट्यूबलाइट थी फ्लोरोसेंट ट्यूब थी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स भरे थे ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप यहाँ से चालू होके धीरे धीरे आगे की तरफ खिसकने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमने देखा था इसको इसमें जो गैस भरी है उसको वेपराइज होने के लिए 1000 वोल्ट चाहिए, यहाँ पे 1000 वोल्ट हो गई तो वो 1000 वोल्ट अब इस ट्यूबलाइट के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज कर देगी। अब वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से मतलब हमारे जो फेज जा रहा है यहाँ, अब इस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसको चालू करके और हमारा सर्किट बन जाएगा कुछ ये। अब हमारी जो धारा है या फिर हमारी जो यहाँ पे करंट है वो कुछ इस सर्किट में फ्लो होगा। ऊपर वाले पहले हमने देखा कि ये सर्किट ऊपर वाले में फ्लो हो रहा था, अब ऊपर वाले के बजाय ये धारा यहाँ से फ्लो होने लग जाएगी और हमारी ट्यूबलाइट हो जाएगी ऑन। अब आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारी जो ट्यूबलाइट होती है एक बार स्टार्ट हो जाती है उसके बाद में अगर हम यहाँ पे चोक को हटा देते हैं तो भी वो ट्यूबलाइट क्यों चलती रहती है। तो फ्रेंड्स देखिए पहले हमारी मान लेते हैं ये धारा यहाँ नहीं जा रही थी, तब हमारी धारा जा रही थी इसके अंदर से मतलब हमारे ये वहां पे रोल मेन काम कर रहा था, पर जब हमारी धारा इस ट्यूबलाइट के अंदर से जाने लग गई वोल्टेज इस ट्यूबलाइट के अंदर से जाने लग गई, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं तो इस ट्यूबलाइट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको फेज अपना मिल रहा है न्यूट्रल अपना मिल रहा है, जो वोल्टेज बढ़ाने का काम था वो तो हमारा ही कर रहा है, यहाँ पे तो केवल उसको एक बार बढ़ाना और एक बार वापस कम करने का काम था। अगर मैं इसको हटा दूं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हम जैसे बाइक के देखते हैं जो सेल्फ स्टार्ट होती है उस बाइक के अंदर अगर मैं एक बार उस बाइक को सेल्फ स्टार्ट कर दूं, हमारी बाइक उस जगह स्टार्ट हो जाती है, अगर मैं एक बार उसको स्टार्ट कर दूं और फिर बाद में मैं उस स्टार्टर को छोड़ देता हूं या उस स्टार्टर को हटा लूं तो वहां पे हमारी बाइक कभी भी बंद नहीं होती।
अगर मान लीजिए मैं उस सेल्फ स्टार्ट को एक बार बाइक स्टार्ट होने के बाद अगर मैं उसको दबाता ही रहूंगा तो वहां पे हमारा वो सेल्फ स्टार्ट कोई काम नहीं करता, वो केवल चालू बाइक को, ऐसे तो है नहीं कि चालू बाइक को और चालू कर देगा, बाइक एक बार चालू हो गई उसके बाद चाहे आप उसको कितनी बार दबाते रहो उसका कोई काम नहीं। वैसे ही हमारी जैसे ट्यूबलाइट एक बार चालू हो गई, अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी दूं तब भी हमारी ट्यूबलाइट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये था हमारा स्टार्टर का काम। और जो हमारा चोक का काम है, जो हमारा चोक क्या काम करता है, ट्यूबलाइट के अंदर वोल्टेज को कैसे बढ़ाता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर फ्रेंड्स आपने इस ट्यूबलाइट के कनेक्शन आपको समझ में ना आए हो या आपने इसके कनेक्शन नहीं जानते हो तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के उसका लिंक दे रखा है। और अगर आपका जो चोक या फिर आपका चोक या फिर आपकी जो स्टार्टर है वो खराब है या सही है वो कैसे चेक करें, उसमें भी हमने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। आप चाहो तो वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।